फ्रेंड आप देख रहे हैं अनमोल टेलर, मैं हूँ रमेश बाबू। आज मैं आपको जाली डालने का तरीका बताऊंगा, जो आसानी से बताऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। फ्रेंड तो ये मैंने जाली डाली हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, आस्तीन में और तीरे में डाली हुई है। फ्रेंड तो आपको हम आगे जाके तरीका भी बताने वाले हैं अभी। तो फ्रेंड इसमें जो मैंने धागा इस्तेमाल किया हुआ हुआ ब्लैक किया है, और नीचे जो फ्रिक में से मैंने चलाया हुआ वो इसी सूट का कलर का अपना है। तो ये तीरे में बैक साइड पे भी मैंने लगाया हुआ है, चेक कर लो। तो इसका धागा जो है ऊपर से आप निडल में से सुई में से डबल लगा लिया करें तो मजबूती आ जाएगी, और फिरकी में भी जो बाबिन होती है उसमें भी डबल भर दिया करें तो इसमें मजबूत आ जाती है। फ्रेंड तो हम रद्दी ले लेते हैं, तो ये अखबार को इस तरीके से मोड़ेंगे हम। तो फ्रेंड जितना भी मोटा करना हो या जाली को मोटा करना हो, बड़ी करनी हो या छोटी करनी हो, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा रद्दी को मोटा करोगे तो आपको पहले उस पर मशीन चला के चेक करनी होगी, नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है और आपकी जो मशीन है वो टांका भी छोड़ सकती है। तो हम यहाँ पे पंच लगा लेंगे तो आसानी हो जाएगी फ्रेंड, तो हमारी रद्दी एक जगह पे बैठ जाएगी। तो इस तरीके से हम फ्रेंड हमने ये चार रद्दी के पीस लिए हुए हैं, क्योंकि दो हमारे आस्तीन में लग जाएंगे और दो तीरे में लग जाएंगे। तो हम इस तरीके से आपको समझाते हैं, जैसे आम हम लगाते हैं तीरा वैसे ही लगाएंगे। फ्रेंड ये पीस मैंने नीचे रखा हुआ है, तो बैक साइड मैंने नीचे सीधी रखी हुई है तीरे के ऊपर, और ये रद्दी मैं रख लूँगा। तो एक पीस मैंने तीरे का ऊपर रखा हुआ है, और ये रद्दी का मार्जिन थोड़ा आपको बाहर निकालना चाहिए, और वो जो हम सिलाई चलाते हैं आधे इंच की, आधे इंच से थोड़ी कम चलाते हैं, जो हम तीरे पे लगाते यूज़ करते रहते हैं वही सिलाई चलानी है पैर वाली। तो इस तरीके से आप लगा ले। फ्रेंड यहाँ से आपको मशीन आराम आराम से चलानी होगी, ज़्यादा तकड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारी आप मशीन की स्पीड देख रहे हैं ये वीडियो की वजह से हैं, तो वीडियो है जो थोड़ा फास्ट किया हुआ है आपकी टीम की वजह से। आप इसको आराम से काम करेंगे तो अच्छा काम बन जाएगा। फ्रेंड इसको अगर आप नई पटरी हो तो इसको मोड़ दिया करो थोड़ा सा, तो ये आराम से निकल जाएगी। एक साइड को निकालना है, दूसरी साइड खुद ब खुद नीचे गिर जाएगी। फ्रेंड ये आपको चेक करवाते हैं, हमारी जाली निकल आई है। ये फ्रेंड कुछ इस तरीके से निकल के आई है जाली हमारी, चेक कर ले। तो हम अभी फ्रंट साइड में तीरा अटैच करेंगे, वो तरीका भी जो हम यूज़ करते रहते हैं वही तरीका होगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं आने वाला। तो हम इस तरीके से इसे लगाते हैं, इसे मोड़ के लगाएंगे, लेकिन इसके बीच में जो है वो रद्दी लगानी होती है, तो आपने रद्दी का मार्जिन भी छोड़ना होता है, केवल रद्दी निकालनी है बाहर। और नीचे जो कपड़े हमने दो पीस नीचे रखे हुए हैं, एक और ये मोड़ के जैसे हम तीरा लगाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में बात रखनी होती है। फ्रेंड हर किसी काम में थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन जब वो काम बन जाता है तो अच्छा हो जाता है। जो काम मेहनत से बनता है वो अच्छा ही होता है, तो मेहनत से नहीं घबराया करें। लग चुका है, अब यहाँ से हम
निकाल भी सकते हैं, इसको निकाल के लगाएंगे तो हमारे को आसानी हो जाएगी। फ्रेंड रद्दी का जो मार्जिन है हमको थोड़ा बाहर निकाल के रखना होता है, क्योंकि ये रद्दी हमारे को निकालनी है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ तरीके से, आपने अगर ये जाली वगैरह डालनी है तो इस तरीके से लगानी होगी। और कोशिश करें कि पहले आप जाली डालने से पहले डेमो साइज या रफ कपड़े पे इस्तेमाल करके फिर बना के फिर से इसको स्टार्ट कर लिया करें, तो आपका जो सूट है वो ख़राब भी नहीं हो सकता और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये आराम से निकल जाएगी, चेक कर लें। फ्रेंड एक साइड निकालनी होती है, दूसरी साइड खुद ब खुद निकल जाती है। फ्रेंड ये आप प्रेस करके इसको ऊपर से लक की सिलाई लगा लिया करें, ताकि हमारी जाली आगे पीछे नहीं हो, क्योंकि ये तीरे में डबल कपड़ा लगा हुआ आता है तो खिंचाव हो जाता है, तो कहीं से ये कम ज़्यादा हो सकती है, तो हमने ये सिलाई लगानी लाजमी होती है। फ्रेंड अभी आस्तीन का मसला है हमारे सामने थोड़ा मुश्किल, लेकिन कोशिश करने से ये बन जाता है। आप ये देखें, आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे भी हमारे को रद्दी का मार्जिन थोड़ा बाहर निकाल के रखना होता है सेंटर में से, और नीचे वाला जो हमारा आर्मोल की गोलाई की हुई है वो आस्तीन की गोलाई को मिला के चलाना है। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा फास्ट मशीन नहीं चलानी है, आराम आराम से बिल्कुल रोक रोक के चलानी है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका लुक अच्छा आ जाएगा। फ्रेंड इतना ये मुश्किल नहीं है जितना समझ में आ रहा है कि मुश्किल है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। जब आप ये बना के देखोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है। बस रद्दी इसमें लगती है और रद्दी को निकालना होता है। तो फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा, तो हमारा मकसद ये होता है कि आपको समझाया जाए अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम अच्छे अच्छे वीडियो अभी अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो फ्रेंड ये मैं रद्दी निकाल के आपको चेक करवाऊँगा, इसकी लुक कैसे आई है। तो फ्रेंड इसके साथ इजाजत देना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।